दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग, और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी तरह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जो है अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, मैं आपको बड़े ही प्यार से नंबर सिस्टम को पढ़ाने वाला हूँ। कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहीं से बुक से डेफिनेशन उठा के मैं आपको पढ़ा दूंगा। मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप जिस मर्जी क्लास में हो, ठीक है, आप जिस मर्जी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपको ऐसे समझाऊंगा कि मैथ्स आपको आज से रटना ही नहीं पड़ेगा, कोई डेफिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सारी चीज़ें इंटर रिलेट करा के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम, ठीक है। और हिंदी वालों के लिए इसे बोलते हैं भाई संख्या पद्धति। तो जो हमारा ये नंबर सिस्टम है संख्या पद्धति, अब ध्यान से समझे बच्चे, नंबर से आपको समझ आएगा, नंबर्स आप जानते हैं, नंबर्स किसको बोला जाता है, 1 2 3 4, ठीक है ना। संख्या यानी कोई भी संख्या, 2 4 18 12 13, किसी भी नंबर की अगर मैं बात करूं तो उसे नंबर बोलते हैं। अब सिस्टम क्या होता है, सिस्टम आप जानते हो कि कोई भी ऐसा काम, ठीक है, मतलब सिस्टम क्या है एक्चुअल में, नंबर सिस्टम इसको नाम क्यों दिया गया, यहाँ से आपको ध्यान से समझना है। नंबर सिस्टम इसे नाम इसलिए दिया गया कि हमारे जो यूनिवर्स है एक तरह से, या जो हम चीज़ें पढ़ते हैं उसमें दो टाइप के सिस्टम है, ठीक है। नंबर सिस्टम में डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम क्या है। सिस्टम का मतलब हमारे पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम जो हमारे पास होता है वो होता है डेसिमल सिस्टम, ठीक है, हिंदी में बात करूँ तो दशमलव सिस्टम, ठीक है। और दूसरा जो सिस्टम है वो होता है बाइनरी सिस्टम, ठीक है, द्विआधारी सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है, बाइनरी सिस्टम को हिंदी में द्विआधारी सिस्टम, ठीक है। जो डेसिमल सिस्टम है इसका क्या रोल है, और बाइनरी सिस्टम है इसका क्या रोल है, क्या यूज़ है, ठीक है। देखिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कंसेप्ट, कि जो डेसिमल सिस्टम है ये यूज़ करते हैं हम ह्यूमन बींग्स, यानी जितने भी मानव हैं, ठीक है, जो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ये जो सिस्टम यूज़ करते हैं उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, डेसिमल सिस्टम, दशमलव सिस्टम। जबकि जितनी मशीन्स हैं, जितनी मशीनरी, मशीनरी का मतलब मशीन्स की अगर बात करूँ, मशीन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कंप्यूटर्स, ठीक है, आपके कैलकुलेटर्स, ठीक है, आपके मोबाइल्स, रोबोट्स, यानी जो ये ऐसे सिस्टम है जो मशीनरी पर, सॉफ्टवेयर पर, हार्डवेयर पर आधारित है, ये सारे कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, बाइनरी सिस्टम यूज़ करते हैं। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स पढ़ने लिखने के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, डेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। बाइनरी सिस्टम वैसे कंप्यूटर में आता है ज़्यादा, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, बाइनरी सिस्टम सिर्फ काम करता है 0 और 1 की फॉर्म में, यानी इसमें केवल 2 डिजिट्स होते हैं, कौन कौन से, 0 और 1, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन बने कि बाइनरी सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं, तो केवल कितने डिजिट होते हैं भाई, 2 डिजिट होते हैं, कौन कौन से, 0 और 1। जो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आप अपने कीबोर्ड से, ठीक है, ABCD 4 5 6 जो मर्जी टाइप करें, वो हमेशा उसको किसकी फॉर्म में पढ़ता है, 0 और 1 की फॉर्म में ही पढ़ता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में आप अच्छे से पढ़ लेंगे, हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, हम मैथ्स पर वापस आते हैं और बात करते हैं डेसिमल सिस्टम की, ठीक है। तो डेसिमल सिस्टम वो सिस्टम है जो हम ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। अब बात करता हूँ, पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, या पहली थ्योरी क्या बनती है, कि डेसिमल सिस्टम के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं, ठीक है, डेसिमल सिस्टम के अंदर जो डिजिट्स होते हैं, अंक होते हैं, कितने होते हैं भाई, 10 अंक होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं, कौन कौन से, ये होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और लास्ट में 9। 0 से लेके 9 तक जितने हमारे डिजिट्स हैं, टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स, और यही किस में आते हैं, हमारे डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत आती है, आप वीडियो
पैक करके आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, उसमें दो टाइप के सिस्टम होते हैं, क्या क्या, एक तो डेसिमल सिस्टम और एक कौन सा होता है, बाइनरी सिस्टम। तो जो बाइनरी सिस्टम है बेसिकली किसके लिए डिज़ाइन किया गया, कंप्यूटर्स यानी मशीन्स के लिए। ठीक है, इसमें डिजिट्स होते हैं 0 और 1, और जो ह्यूमन बींग्स के लिए यानी मानव के लिए जो बनाया गया सिस्टम वो क्या है, दशमलव सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, जिसमें कितने डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब मैं बात करूं डेसिमल सिस्टम, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आप लोग 9th 10th या अभी तक जितना पढ़ते आए हो, फर्स्ट से लेके अब तक जो भी कहूं, ठीक है, जो लोग भी हम ये सिस्टम पढ़ रहे हैं, सारा कौन सा सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम, यानी जो हमारा मैथ्स है, संपूर्ण मैथ्स है, किस पर आधारित है, डेसिमल सिस्टम पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं डेसिमल सिस्टम को आगे। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन क्या होती है नंबर सिस्टम की। ठीक है, नंबर सिस्टम का वर्गीकरण अब हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। आपको किसी भी बुक में ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सारी थ्योरी काफ़ी सारी रिसर्च करके पढ़ के, ठीक है, अभी 11-12 साल हो गए हैं मुझे मैथ्स पढ़ाते हुए, तो जितना भी मेरा निचोड़ है मेरे ज्ञान का, मैंने उससे ये सारी चीज़ डिज़ाइन की है। ठीक है, आपको कि आप अपनी NCERT या कोई भी बुक उठाएंगे, उसमें डायरेक्ट जैसे ही नंबर सिस्टम चैप्टर शुरू होता है, ठीक है, क्या मिलने लगेगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएँ, ठीक है, वास्तविक संख्याएँ, डायरेक्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी क्लासिफिकेशन बताने वाला हूँ, जैसा जैसा मैं डायग्राम बनाऊं आप वैसा बनाते चले, आप सारी ज़िंदगी नंबर सिस्टम को कभी नहीं भूल पाओगे, ना ही आपको कुछ याद करना पड़ेगा या रटना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम में मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, रियल नंबर से। ठीक है, देखिए स्टार्ट होता है एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर से, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास में जाके, तो अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करता, किसी और वीडियो में उसको अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल मैं आपको स्टार्ट कर देता हूं डायरेक्ट रियल नंबर से। ठीक है, तो जो है हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन अपनी रियल नंबर से। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है, अब ध्यान से समझें रियल नंबर्स क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में मैं बता देता हूँ आपको बनाना कैसे है। देखिए, आप लोग पहले बनाओगे डेसिमल्स, ठीक है, एक तरफ आपने बनाना है डेसिमल्स, या मैं ही बनवा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। ठीक है, एक बार मैं लिख ही देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, उसको समझाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि वो +1 +2 का थोड़ा सा टॉपिक है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन करते हैं हम स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं भाई सबसे पहले। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये टूटते हैं आपकी दो कैटेगरी में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की डिटेल मैं इसमें वीडियो में नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग उसको अभी छोड़ दें, कन्फ्यूज मत हो, फिर किसी वीडियो में मैं इसको आराम से समझा दूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे दो पार्ट्स में ब्रेक होते हैं भाई, कौन कौन से, एक होता है आपका रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट यानी रियल नंबर्स, इनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर्स को हम वास्तविक संख्या, और इसको बोलते हैं भाई काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब क्या है जो आपके रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर यानी जिनको हम वास्तविकता में देख सकते हैं, जो वाकई में ही एग्जिस्ट करते हैं, उसी को हम रियलिटी बोलते हैं, तो वहीं से बना रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर में सभी टाइप्स के नंबर आते हैं, जैसा मर्जी मैं नंबर लिखूं। फॉर एग्जांपल मैंने -2 लिया, ये भी एक रियल नंबर है। मैंने लिखा 2/3, ये भी एक रियल नंबर है। मैंने लिखा 1.2, ये भी एक रियल नंबर है। मैंने लिखा 2.345, ये भी एक रियल नंबर है। यानी वो हर वास्तविक संख्या जिसे हम देख सकते हैं वो क्या कहलाती है, एक रियल नंबर कहलाती है। ठीक है, मैथमेटिक्स की टर्म्स में अगर इसको डिनोट किया जाए तो R से डिनोट करते हैं। कभी भी आपको पेपर में कैपिटल R लिखा मिल जाए, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, रियल नंबर्स की, यानी वास्तविक संख्याओं की बात कर रहा है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ध्यान से देखना, रियल नंबर्स जो हैं ये आपके फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं दो पार्ट में। ठीक है, रियल नंबर्स आपके फर्दर ब्रेक डाउन हो जाते हैं दो पार्ट में। ठीक है, बुक में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान से अपनी कॉपी पे आपको बनाना है। रियल नंबर जो है वो किस में ब्रेक हो जाते हैं, दो पार्ट्स में। कौन कौन से दो पार्ट्स में, एक तो हो जाते हैं आपके डेसिमल्स,
और सेकंड हो जाते हैं आपके इंटीजर्स। ठीक है, अभी तक नेचुरल नंबर कहीं नहीं आया जो बुक में सबसे पहले मिलता है। ठीक है, यही रियल क्लासिफिकेशन है, ध्यान से पढ़ना, ऐसे ही आपको पढ़ना है। रियल जो है वो दो हिस्सों में टूट जाता है, रियल यानी वास्तविक संख्याएं दो हिस्सों में टूट जाती हैं, कौन कौन सी, डेसिमल्स और इंटीजर्स। ठीक है, अब ये डेसिमल्स यानी डेसिमल्स क्या होते हैं, हिंदी में एक बार मैं लिख देता हूँ भाई, दशमलव। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए डेसिमल्स यानी दशमलव, और इंटीजर्स को हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी दोनों में लिखे तो ज़्यादा अच्छा, भी देखो हिंदी हमारी मातृभाषा है। ठीक है, कभी कल को आप आज जाके किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जॉब करते हो जहाँ पे अगर हिंदी में कोई लेटर आ जाता है तो आपको वो भी पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो मेरी ये मानना है कि आपको हमेशा दोनों भाषाओं में काम करना आना चाहिए। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप सिर्फ इंग्लिश में नोट डाउन करना चाहते हैं, इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं, सिर्फ हिंदी में रखना चाहते हैं, हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके रियल नंबर हैं वो दो हिस्सों में टूटते हैं, डेसिमल्स और इंटीजर्स। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इंटीजर्स को छोड़ते हैं, बात करते हैं पहले डेसिमल्स की। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। इस पेज पे जगह छोड़ देना भाई, ठीक है, आगे आगे इसी पेज पे आप लोग ब्रांचेज इसकी बनाते रहना। ठीक है, मैं अब डेसिमल्स आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे जाके जब मैं इंटीजर्स को ब्रेक डाउन करूँगा तो आपको वहीं कर लेना है। ठीक है, या बाद में एक ही पेज पे पूरी ब्रांचेस बना लेना। तो जो डेसिमल्स हैं भाई, डेसिमल्स आपके दो टाइप में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, डेसिमल्स आपके दो हिस्सों में बट जाते हैं, जो दशमलव होते हैं आपके दो हिस्सों में बट जाते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं रिपीटिंग, ठीक है, और एक को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, रिपीटिंग वाले भाई पूर्णावृत्ति हो जिनमें, और नॉन रिपीटिंग जिनमें पूर्णावृत्ति ना हो। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि डेसिमल्स का मतलब क्या है। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि 2/10 अगर मैं आपके सामने लिख दूँ, यानी मैंने क्या किया, 2 को 10 से डिवाइड किया, तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, 0.2 लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये डेसिमल फॉर्म कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, इसकी डेसिमल फॉर्म कहलाती है। ठीक है, या सपोज 6/5 है, 6/5 का मतलब 6 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो अगर हम 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, कितना रिमाइंडर बचा, 1, फिर हम डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ 0 आ जाती है, 5 2 10, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, ये तो 6/5 का डेसिमल फॉर्म क्या हो गया, 1.2। ठीक है, यानी डेसिमल्स की बात करूँ तो डेसिमल्स कौन कौन से बनेंगे, वो सभी संख्या जिनमें दशमलव दिखे, जैसे फॉर एग्जांपल 1.2, 0.4, ठीक है, 1.245, ठीक है, ये सारे क्या है, डेसिमल्स हैं। ठीक है, अब इस डेसिमल्स को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा है, कौन कौन से हिस्सों में तोड़ा है भाई, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो अब ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का क्या चक्कर है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल्स देखे कौन कौन से होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स हमारे पास होते हैं भाई जो बार बार रिपीट हों। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल्स कैसे होते हैं, जो बार बार रिपीट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 1/3, ठीक है, 1/3 का अगर मैं डेसिमल फॉर्म बनाऊंगा, यानी मैं 1 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 0.33333333, कंटिन्यूटी चलता रहेगा। ठीक है ना, तो ये कहलाते हैं आपकी क्या, रिपीटिंग डेसिमल्स। इसी तरह से अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 0.6666, रिपीटिंग चलती रहेगी, 2 को 3 से डिवाइड करके आप देखेंगे यही बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ डिवाइड, सिर्फ समझा रहा हूँ। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इनको हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, जो रिपीट करे, यानी जिनमें एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो या एक से ज़्यादा नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो, ये कहलाते हैं आपके रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, सेकंड इसमें कहलाते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कैसे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बात की कि जैसे 1.2, ठीक है, 1.245, ठीक है ना, 0.4, ठीक है, 1.2, 1.245, या बात करूँ 0.657, ठीक है, जो रिपीट ना हो रहे हो, यानी जो अगर हम आगे फर्दर ऑन डिवाइड करते जाएं तो क्या आए, अलग अलग नंबर्स आए। ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं।
ठीक है। अब बात आती है, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो आपके डेसिमल्स हैं ये फर्दर टूटते हैं कौन कौन से, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में, ठीक है। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में टूटने के बाद क्या है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में भी कुछ डेसिमल्स ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट किए जा सकें और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेट हों, ठीक है। ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो टर्मिनेट किए जा सके और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है भाई उन्हें ख़त्म किया जा सके, ठीक है, ख़त्म किया जा सके उनको बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है, आपने देखा होगा कि अगर किसी नंबर, कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, कोई नंबर सपोज बार बार रिपीट हो रहा हो, 0.3333। अब मैं इसको बार बार 0.333333 नहीं लिखना चाहता, तो मैं इसकी जगह इसे क्या लिख देता हूँ, 0.3 बार। मैं इस 3 के ऊपर बार लगा देता हूँ, इस बार का ये मतलब होता है कि 3 जो है वो बार बार रिपीट होगा। इसी तरह से अगर है 0.666666 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, इसको अगर मुझे रिपीटेशन इसका ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, 0.6 बार, मैंने इसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल्स जो क्या हो सके, टर्मिनेट किए जा सके, टर्मिनेटिंग, वो क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, शांत, शांत दशमलव, ठीक है भाई। ऐसे डेसिमल्स जो टर्मिनेट किए जा सके वो क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यानी शांत दशमलव, ठीक है। और ऐसे डेसिमल्स जो टर्मिनेट ना किए जा सके, जो रीअकरिंग हो भाई, ठीक है, जो बार मतलब आपके टर्मिनेट सॉरी जो ना हो सके, उन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अशांत दशमलव, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिख रहा हूँ टर्मिनेटिंग का, देखो टर्मिनेटिंग में कौन कौन से आते हैं, सपोज 1.2, 1.2 भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्यों, क्योंकि ये 2 के बाद क्या हो गया, ख़त्म हो गया, रुक गया। 0.4 ये भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या हो गया, 2 के बाद ख़त्म हो गया, ठीक है। इसी तरह से 0.3 बार ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, देखो था तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था, लेकिन हमने इसको टर्मिनेट किया बार लगा के, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में मैं इसलिए इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो डेसिमल्स हैं जो टर्मिनेट हो सके, ठीक है, ध्यान से सुनना अब इस बात को, जो टर्मिनेट हो सके उन डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है भाई, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या, ठीक है। वो नंबर्स जो टर्मिनेटिंग हों, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या, ठीक है। और वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो वो कहलाए जाते हैं इरेशनल नंबर्स, वो क्या कहलाए जाते हैं, इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर एग्जाम्पल 1.414, ठीक है, 3, 2, 7, 8, 6 और ये चलता ही जा रहा है भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो √2, ठीक है, √2 की वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती, जो आप वैल्यू लेते हो ना 1.414, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है भाई, ठीक है। ऐसे ही √3, √3 की हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 1.73 या 1.732, लेकिन ये आगे रनिंग में होता है, चल रहा होता है, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ होता, तो ये कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इनको हम क्या नाम देते हैं, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अब ध्यान से समझो, रैशनल नंबर की डेफिनेशन कहाँ से आई और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन कहाँ से आई। आपने अभी तक सिर्फ रैशनल नंबर की डेफिनेशन रटी हुई है जो पी बाय क्यू फॉर्म में लिखे जा सके, और ठीक है, और जो पी वाई के फॉर्म में ना लिखे जा सके वो आप इरेशनल बोल देते हो। आप ये समझो, ये डेफिनेशन आई कहाँ से, ये यहाँ से आई बच्चे, जो मैंने आपको अभी समझाया, क्या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का खेल होता है सारा, ठीक है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का खेल कैसे, टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव जो है वही केवल क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि देखो 1.2 का फ्रैक्शन बना सकते हो आप, 1.2 का बना सकते हो ना, 12/10, 12/10 का मतलब आपने इसको पी बाय क्यू फॉर्म में लिख दिया, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, पी बाय क्यू फॉर्म में लिख दिया तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। ऐसे ही 0.4 को पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हो,
बिल्कुल लिख सकते हो, 4/10 लिखोगे ए बी पी बाई क्यू फॉर्म में हो गया, तो ये भी एक क्या है, रैशनल है। अच्छा 0.3 बार को भी पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, थोड़ी देर में मैं एक बार इसकी क्लासिफिकेशन करा दूं, ठीक है। हम इस रिपीट आपके रिपीटिंग डेसिमल यानी, ठीक है, ये बार वाले क्वेश्चंस को पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैं आपको भी सिखाऊंगा, कन्वर्जन सिखाऊंगा, आपके पेपर में भी आता है, ठीक है। तो जिसको आप पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सको वो क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे, रैशनल नंबर की एक कंडीशन भी होती है, कंडीशन क्या होती है, क्यू कैन नॉट बी जीरो, क्यू कैन नेवर बी जीरो, ठीक है भाई। आपका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर की एक तरह से कंडीशन है। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। लेकिन ये डेफिनेशन बनी कहाँ से वो आज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, कि वो हर डेसिमल नंबर जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर होने से पहले उसे क्या होना होगा, एक डेसिमल नंबर होना होगा, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, डेसिमल की क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो हम डेसिमल दशमलव से नंबर पढ़ रहे हैं उसकी क्लासिफिकेशन है ये। अब बात करता हूँ मैं इरेशनल नंबर की, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब आपने डेफिनेशन याद की कि वो नंबर्स जो पी वाई क्यू फॉर्म में ना लिखे जा सके, ठीक है। अब समझो ऐसा क्यों, मुझे बताओ, अगर मैंने आपके सामने ये वैल्यू लिखी, जैसे ये वाला जो नंबर लिखा है मैंने 1.414327 और डॉट 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 का मतलब है ये आगे कंटिन्यू है, क्या आप इसको डेसिमल फॉर्म उसमें पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। क्यों, देखो देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है, डेसिमल के बाद, जैसे मैंने लिखा 1.2, तो डेसिमल के बाद कितना नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर है, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, पहले तो मैंने पूरा नंबर लिख दिया, फिर वन लिखा, और डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी हम क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। सपोज अगर होता 1.214, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखता, 1214, ठीक है भाई। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, तीन, तो मैं नीचे एक के बाद कितनी जीरो लगा देता, तीन। ये होता है तरीका इसको पी वाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने का। लेकिन ये जो क्वेश्चन मेरे सामने है 1.414327 डॉट डॉट डॉट, अब ये डॉट 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 के बाद कितने डिजिट है मुझे मालूम ही नहीं है, ठीक है ना, तो मैं इसको कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगेगा कितने नीचे कितने जीरो लगाने हैं, ठीक है ना। तो जो ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाते हैं, आपके इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जनरली जितनी हमारी रूट वाली वैल्यूज़ होती हैं आपने देखा होगा, जिन जिनकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं वो क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है, ठीक है। अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनेंगे, पाई, ठीक है भाई, पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ख़त्म नहीं होती। इसकी जो आप वैल्यू लेते हो ना पाई की, बेटा आप लेते हो 22/7 लेते हो या तो, और या क्या लेते हो, 3.14। ध्यान रखना बच्चे, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अगर हम पाई लिखते हैं तो ये हमेशा क्या बनता है, एक इरेशनल आंसर बनता है, इरेशनल नंबर बनता है। लेकिन हमें मैथ्स में कैसे आंसर चाहिए होते हैं, रैशनल आंसर्स चाहिए होते हैं, कंप्लीट आंसर चाहिए होते हैं, इसीलिए हम पाई को क्या यूज़ करते हैं, या तो 22/7 या 3.14। तो 22/7 और 3.14 ये तो क्या हैं, आपके रैशनल नंबर हैं, ध्यान रखेंगे आप, 22/7 और 3.14 आपके रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं पाई की बात करूं तो पाई हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये 22/7 और 3.14 हमने पाई की क्या ली है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखो 22/7 पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, ठीक है ना, और 3.14 को भी मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, 314/100। क्योंकि ये पी वाई क्यू फॉर्म में आ गए इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। लेकिन पाई, पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 3.14 के बाद भी कंटिन्यू रहती है, इसलिए ये कैसा कहलाता है, एक इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने सीखा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या फंडा है, ठीक है। अभी मैं क्लासिफिकेशन ख़त्म कर दूं, फिर मैं आपके नाइन्थ क्लास वाले जो स्टूडेंट्स देख रहे हो सोच रहे होंगे सर आगे क्वेश्चन कराओ कि रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी पूरी कवर की जाएगी, थोड़ा सा वेट करो, आप एक बार कंप्लीट नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन सीख लो, ठीक है।
तो आपको आज से समझ आया होगा क्या कि रैशनल और इरेशनल कहाँ से निकलते हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर्स निकल कर आते हैं कहाँ से, डेसिमल्स से। ठीक है, जो डेसिमल्स रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के बाद, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बिहाफ पे जब हम उन्हें तोड़ देते हैं, ठीक है, तब वो क्या बनते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल्स का खत्म हो गया। अब देखो दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा हुआ था, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे किसको, इंटीजर्स यानी पूर्णांक को। ठीक है, अगली हेडिंग बना लीजिए, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ठीक है, तो अगली हेडिंग हम बनाएंगे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। देखो बेटे, 9th 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन नहीं करा रहे। मेरे ध्यान से बात सुनना आप, ठीक है, NTSC ओलंपियाड वगैरह के आप एग्ज़ाम्स देते हो, वहाँ पे आपके लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट तरीके भी कराऊंगा, ठीक है, NCERT के क्वेश्चन कराऊंगा, आपके जो ट्रेडिशनल मेथड है उनसे भी कराऊंगा, और साथ साथ शॉर्टकट तरीके से भी उन्हें कराऊंगा, ताकि आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उसे कैसे यूज़ करना है वो भी साथ साथ सीख जाएं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपका कोर्स चलाया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसको लाइट मत समझना, इसमें पढ़ाई हर एक चीज़ आपके काम आएगी। ठीक है, कुछ भी स्किप मत करना। ठीक है, अगर आप स्किप करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक को। अब ध्यान से सुनना, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स जो है वो ब्रेक डाउन किए जाते हैं, इंटीजर्स आगे फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं, ध्यान से समझेंगे अब इसको। पहले होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, यानी कि इनको हम बोलते हैं घनात्मक पूर्णांक। ठीक है, देखो भाई, साथ साथ आपको आज हिंदी सीखने को भी मिलेगी, स्कूल्स में आपको हिंदी में कोई नहीं सिखाता होगा, ठीक है ना, तो यहाँ से इस YouTube चैनल की हेल्प से आपको साथ साथ हिंदी भी सीखने को मिल रही है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी घनात्मक पूर्णांक। दूसरे होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स हमारे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स हमारे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है भाई, तीसरी कैटेगरी अभी बताता हूँ कौन सी होती है। देखो, पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं आपके, ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं। पॉजिटिव का मतलब यानी पॉजिटिव आएंगे, आपको याद आ रही होगी नंबर लाइन, छोटी क्लास में हम पढ़ते थे नंबर लाइन, ठीक है ना, बीच में जीरो होता था, यहाँ पे 1 2 3 4, और इधर -1 -2 -3 -4, ऐसे चलते जाए, यहाँ भी इन्फिनिटी आएगा और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 से चलते हुए इन्फिनिटी तक जाएं, तो ये क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ठीक है भाई, ये क्या बन जाते हैं आपके, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बड़े कमाल की बात है भाई, अब यही पॉजिटिव इंटीजर्स का नाम क्या दिया गया, नाम दिया गया नेचुरल नंबर्स। इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या नाम दिया गया, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है भाई, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, और बुक की अगर बात करूँ तो बुक किसे क्या लिखता है नेचुरल नंबर्स को, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें गिनती के लिए यूज किया जाए वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर 1 से इसीलिए स्टार्ट होते हैं बेटा, क्योंकि जब भी हम गिनती यानी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। सपोज आप अपनी क्लास में बैठे होते हैं, आपका टीचर अगर अटेंडेंस लेते हैं तो अटेंडेंस में रोल नंबर कहाँ से शुरू होता है, रोल नंबर 1, बिल्कुल सही। क्या कभी सुना है रोल नंबर 0, नहीं सुना होगा, ठीक है ना, तो हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से, काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, इसी वजह से नेचुरल नंबर्स को कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, 1 से। अब ध्यान देंगे, नेचुरल नंबर सिर्फ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव, इसीलिए कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। ठीक है, अब पॉजिटिव ही क्यों होते हैं, इसका आंसर कहाँ छुपा है, ये जो मैंने आपको सिखाया कि नेचुरल नंबर्स अपने आप नहीं आए, नेचुरल नंबर पार्ट है किसका, इंटीजर्स यानी पूर्णांक का।
केवल वो पूर्णांक, सिर्फ वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से बने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में से बने हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा आज यहाँ से। ठीक है, अब नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूँ तो आप समझ गए होंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके अगर मैं चलूँ माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू और माइनस वन, तो ये सारा सेट क्या कहलाता है, नेगेटिव इंटीजर्स, जिसमें आपके नेगेटिव नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब आते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी पे कि थर्ड कैटेगरी क्या है जो मैंने अभी तक नहीं लिखी। ठीक है, थर्ड कैटेगरी हमारे पास थी भाई होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स कैसे, देखो पूर्ण संख्या बोलते हैं भाई हिंदी में इसको, पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर्स पूर्ण संख्या। अच्छा, हिंदी वाले कंफ्यूज नहीं होंगे भाई, पूर्णांक अगर बोलूँ तो इंटीजर होगा, पूर्ण बोलूँ तो होल होगा। ठीक है, होल नंबर। ठीक है, दोनों अलग है। हाँ, तो अब देखो आप यहाँ देख रहे होंगे अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, वन से स्टार्ट हुई थी इन्फिनिटी तक। नेगेटिव इंटीजर्स जब मैंने देखे तो कहाँ से स्टार्ट हुए, माइनस वन से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। इसके बीच हमारा एक नंबर रह गया क्या, जीरो। तो जीरो को यूज़ करने के लिए थर्ड कैटेगरी बनाई गई, कौन सी, होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट हो, जीरो से। यानी वो सारे नेचुरल नंबर्स अगर हम जीरो से स्टार्ट कर दें तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। यानी अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को भी जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको उम्मीद है सब कुछ समझ आया होगा भाई। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ से एक बात आप जो समझने वाली हो जरूर, या नोट बना के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं भाई। ठीक है, कि सभी नेचुरल नंबर्स रैशनल होते हैं। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर रैशनल होते हैं। देखो क्यों होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर को आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो ना। देखो आपको मालूम है जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ठीक है, एक होता है। हाँ, एक होता है भाई, क्योंकि भगवान सबका है। ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, एक होता है, क्योंकि भगवान सबका है। अगर मैंने आपसे पूछा कि मैं दो लिखता हूँ, तो मैं दो को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ। दो को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखूंगा, टू बाय वन, नीचे वन लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बाई क्यू फॉर्म में, थ्री बाय वन। ठीक है, तो इसी वजह से सभी नेचुरल नंबर्स, ये पॉइंट बना के आप लिख लेना, सभी नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, हिंदी में भाई नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, सॉरी मैं भूल गया था, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश वालों के लिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सिमिलरली होल नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। सभी पूर्ण संख्याएं रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है, सभी के सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सभी के सभी पूर्णांक क्या हैं, आपके परिमेय संख्या हैं। ठीक है, ये तीन बातें आप हमेशा ध्यान रखेंगे, बाकी मुश्किल नहीं है। मैंने आपको ऐसा समझा दिया कि याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिन जिन को पी वाई के फॉर्म में लिख पाए वो सारे क्या बनेंगे, आपके रैशनल नंबर ज़रूर बनेंगे। क्लासिफिकेशन समझाना इसलिए जरूरी है बच्चे, ताकि आपको कुछ भी याद या रटना न पड़े, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अभी इंटीजर्स खत्म नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी हमारे इंटीजर्स खत्म नहीं हुए हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, अभी इंटीजर्स को ही फर्दर दो और कैटेगरी में तोड़ा जाता है। इंटीजर्स जो है फर्दर दो और कैटेगरी में टूटते हैं, कौन कौन से, इवन नंबर्स। आप कहोगे सर कमाल है, हमने आज तक ऐसा पढ़ा ही नहीं। ठीक है भाई, ऐसा इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आप सिर्फ बुक से पढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है 2020। ठीक है, और दूसरे क्या है, ओड नंबर्स। ठीक है, अभी तक हमने इवन ओड तो पढ़े ही नहीं थे, आखिर ये कहीं से तो आए होंगे। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना, ये किस किसकी सब कैटेगरी है, इंटीजर्स की, यानी पूर्णांक की सब कैटेगरी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, किसकी सब कैटेगरी है, इंटीजर्स की, पूर्णांक फिर से टूटते हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हम बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, और ओड नंबर को हम क्या बोलते हैं भाई, विषम संख्या। ठीक है,
अब देखें, अब बड़े कमाल की चीज़ है भाई, इवन नंबर्स आपने पढ़े होंगे, कौन से? वो सभी नंबर्स जो किससे डिवाइड हो जाए, दो से डिवाइड हो जाए, और ऑड नंबर्स वो सभी नंबर्स जो दो से डिवाइड ना होते हों, क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है, अब मैं आपको चार ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है भाई? मुझे आप अपने मन में ही आंसर देखेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं मैं कह रहा, देखो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन यही था, इवन नंबर्स आर दोज, ठीक है, सम संख्याएं किन्हें कहते हैं, ठीक है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से विभाजित हों, ठीक है, हिंदी वालों के लिए मैं लिख नहीं रहा, सुन लें सिर्फ, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो दो से विभाजित हों, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू, ठीक है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू, सभी संख्याएं जो दो से विभाजित हों, ऑल इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय टू, सभी पूर्णांक जो दो से विभाजित हों, ऑल होल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू, सभी पूर्ण संख्या जो दो से विभाजित हों। ठीक है, एक पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये चार ऑप्शन थे, पूछा क्या था, सिर्फ इतना पूछा था, इवन नंबर्स किसे कहते हैं, ठीक है? तो अब आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, वे सभी संख्याएं जो किससे विभाजित हों, दो से, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू, है ना? आपके हिसाब से यही आंसर होना चाहिए, और यकीन मानना सभी ने, मैक्सिमम ने यही आंसर दिया था, लेकिन ये आंसर गलत है बच्चों। सही आंसर क्या है? ऑल इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय टू, वे सभी पूर्णांक जो दो से विभाजित हों क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है बच्चे, आधी अधूरी डेफिनेशन हमेशा आपको तंग करेगी, ध्यान रखना, ठीक है? इसका आंसर कभी ऐसे नहीं देना कि सभी नंबर जो दो से डिविजिबल हों, ठीक है? इसकी सही डेफिनेशन लिख लो, ऑल इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय टू क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स। और ऑल इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय टू क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है, अब मैंने ऑल इंटीजर्स क्यों कहा, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने ऑल इंटीजर्स क्यों कहा, बच्चे देखो इंटीजर्स में सारे नंबर आएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मुझे बताओ क्या -2 इवन नंबर नहीं है क्या? क्या -2 एक इवन नंबर नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि ये किससे डिवाइड हो जाता है, दो से। क्या -4 एक इवन नंबर नहीं है? बिल्कुल है। तो बच्चे फिर आप बी ऑप्शन आंसर क्यों दे रहे हो कि सभी नंबर्स, नंबर्स तो मैंने बताया, नंबर्स तो कहाँ से शुरू हुए थे, 1 2 3 4, ये अधूरी डेफिनेशन है, ठीक है ना? नेचुरल नंबर्स को हम नहीं ले सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर भी 1 से शुरू होते हैं, माइनस में जाते ही नहीं। आंसर क्या आएगा? ऑल इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, प्लस में इंटीजर्स में क्या आता है? जीरो भी आता है, ठीक है? तो ये आपको बात ध्यान देनी है, ठीक है? तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ इवन नंबर और ऑड नंबर की सही डेफिनेशन क्या है, ठीक है? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे बताएंगे कि जीरो जो है वो इवन है या ऑड है। जीरो इज एन इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है? जीरो क्या है, इवन है या ऑड है, या दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है? जीरो है, जीरो एक इवन है, ऑड है, या दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है? आपने सोच लिया होगा मन में। अब राइट आंसर सुनो, ये इम्पोर्टेंट बना के मार्क करो, जीरो इज एन इवन नंबर, जीरो एक सम संख्या है, ठीक है भाई? जीरो क्या है? सम संख्या है एक, ठीक है? जीरो हमेशा एक इवन नंबर है, ऑड नहीं है। कैसे प्रूव करते हैं देखो, ठीक है भाई? इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं भाई? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक शुरू हो जाओ। माइनस इन्फिनिटी के बाद मान लो -4, -2, -2 के बाद क्या आएगा? जीरो, ठीक है? फिर आएगा 2 4 6, चलते चलते इन्फिनिटी। इवन नंबर्स ऐसे ही हैं, दो दो के गैप पे आते हैं, जानते हो ये बात तो आप, दो दो के गैप पे आएंगे, 2 4 6 8 10, ठीक है ना? तो अगर मैं माइनस से शुरू हो जाऊँ तो -4 -2 के बाद क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है ना? उसके बाद क्या आएगा? 2 4 6। अब मैं लिखता हूँ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स लिखो, माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो जाओ, -5 -3
माइनस एक, माइनस एक के बाद दो का गैप लूंगा तो क्या आएगा, एक तीन पाँच, ठीक है ना। तो देखो बच्चे यहाँ पे जीरो इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है ना, जीरो ऑड नंबर्स में नहीं आ रहा, जीरो किस में आ रहा है, सिर्फ इवन नंबर्स में आ रहा है, ठीक है। तो जीरो हमेशा ही क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, ठीक है। तो मैं आपको सारी ऐसी चीज़ें सिखा रहा हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये सब कुछ बुक्स में नहीं मिलता है भाई, ठीक है, इसीलिए ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कोर्स को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो इंटीजर्स की कैटेगरी हमने तोड़ दी किस किस में, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स में, ठीक है। फिर ध्यान क्या रखना है आपको कि ज़ीरो हमेशा कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, ठीक है। उसके बाद कुछ छोटी बातें जो आपको पेपर में थोड़ी सी काम आएंगी, क्या ये भी आप नोट बना के नोट करेंगे कि जब जब मैं इवन नंबर में इवन नंबर प्लस करूँगा, ठीक है, यानी सम संख्या जमा सम संख्या, तो सदैव ही हमेशा ही कैसा नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, कैसा नंबर मिलेगी, सम संख्या मिलेगी, एक इवन नंबर मिलेगा, ठीक है भाई। आप एग्जांपल जोड़ के दे सकते हो, 2 प्लस 4 कितना आया, 6, 10 प्लस 12 कितना आया भाई, 22, ठीक है ना। यानी अगर हम किसी भी दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा कैसा नंबर मिलता है, इवन नंबर ही मिलता है। सेकंड, अगर मैं दो ऑड नंबर को ऐड करूं, ठीक है भाई, अगर मैं दो ऑड नंबर को ऐड करूं तो हमेशा कैसा नंबर मिलता है, एक ऑड नंबर ही मिलता है, ठीक है। विषम प्लस विषम, सॉरी वो इवन देगा, इवन, ठीक है, विषम प्लस विषम क्या मिलेगा, सम, ठीक है। इसको ठीक करेंगे भाई, ऑड नहीं आएगा, इवन आएगा, ठीक है, ऑड नहीं आएगा, यहाँ इवन आएगा, यहाँ पे भी इवन आएगा, ठीक है। एग्जांपल देख सकते हो, 1 प्लस 3, 1 एक ऑड नंबर है, 3 भी एक ऑड नंबर है, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिला, 4 मिला, ठीक है, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिला, 4 मिला, जो कि ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है। थर्ड और इम्पॉर्टेंट केस क्या, इवन प्लस ऑड, ये हमेशा क्या देगा, ऑड नंबर देगा, ठीक है। यानी अगर मैं सम प्लस विषम करूं तो मुझे कैसी संख्या मिलेगी, हमेशा ही विषम, ठीक है। देख सकते हो आप इसका एग्जांपल, 2 एक इवन नंबर है और 5 एक क्या है, ऑड नंबर है, 2 और 5 क्या मिला, 7, 7 एक क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, आप ऐसे याद रख सकते हो, जब सेम सेम कैटेगरी के नंबर जोड़े जाएं, यानी इवन प्लस इवन तो भी इवन मिलेगा, ऑड प्लस ऑड जोड़ूंगा तो भी इवन ही मिलेगा, ठीक है ना। यानी जब सेम कैटेगरी के नंबर जोड़े जाएं तो हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा, लेकिन जब अपोजिट कैटेगरी के, ठीक है, विपरीत नेचर के जो नंबर हैं वो जोड़े जाएं तो ऑड नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये बड़ी काम की चीज़ है, आगे चल के जब मैं आपको, मतलब ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको काम आएंगी, ठीक है, जल्दी जल्दी अपने आंसर्स निकालने में, या अगर मान लो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, एनटीएससी ओलंपियाड्स में, खास तौर पे उन पेपर्स में बड़ी काम की चीज़ें हैं ये, वो चीज़ें जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, ठीक है भाई। तो बड़े ही ध्यान से आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने ये चीज़ें पढ़ी, ठीक है, इवन नंबर ऑड नंबर भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखो जो नेक्स्ट कैटेगरी है ना बच्चे, वो क्या टूटेगी, जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे आपके, जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स थे ना, वो आगे फर्दर टूट जाते हैं, ठीक है, घनात्मक घनात्मक पूर्णांक जो हैं ये आपके फर्दर फिर से टूट जाते हैं कैटेगरी में, ठीक है। आज मैं इसकी क्लासिफिकेशन पूरी कर दूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस से करेंगे, ठीक है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। घनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, घनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो आपके अब किस किस कैटेगरी में टूटते हैं, देखो ये टूटते हैं आपके कंपोजिट कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, यानी कि भाज्य संख्या, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्या। दूसरे आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, अभी तक देखो प्राइम नंबर्स नहीं पढ़े थे हमने, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। अब अच्छे देखिए, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, कंपोजिट, ठीक है,
प्राइम की पहले बात करते हैं। देखो प्राइम नंबर आपने पढ़ा होगा जो क्या हो भाई, अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी डेफिनेशन आएगी जिसका एच सी एफ वन हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। या डेफिनेशन की बात करूँ तो जिन्होंने पढ़ी होगी उन्होंने ये पढ़ी होगी कि वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पर कटे उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऐसी डेफिनेशन बताने वाला हूँ जो आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगी, ठीक है। कंफ्यूज कैसे नहीं करेगी, ध्यान दें, प्राइम नंबर्स वो होते हैं विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिनके केवल और केवल दो ही फैक्टर हों भाई, ठीक है। दो फैक्टर कौन कौन से, एक तो एक होना चाहिए और एक इट्सेल्फ, इट्सेल्फ का मतलब वे स्वयं खुद, ठीक है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हों, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, और वो दो फैक्टर भी कौन कौन से, एक तो उसमें से एक होना चाहिए यानी वन के टेबल पे कटने चाहिए, और एक वो खुद इट्सेल्फ यानी अपने ही टेबल पे कटने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या आएगा, दो, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूँ दो, आपने देखा होगा तभी, दो तीन पाँच सात 11, ठीक है ना, ये आपके क्या हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, दो से। अब एक प्राइम नंबर क्यों नहीं होता, ठीक है, उसका भी मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ, वीडियो देखते रहना, जाना मत बीच में से, ठीक है। थर्ड कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं सिर्फ वो होती हैं जिनके केवल क्या हो, दो ही फैक्टर हो, एक तो एक और एक वो खुद। बात करते हो अब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, सॉरी कंपोजिट नंबर होते हैं वही मोर देन टू फैक्टर्स, जिनके दो से अधिक फैक्टर हों, वो सभी संख्याएं जिनके दो से अधिक फैक्टर हों, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर शुरू होते हैं चार से, चार छः आठ सो ऑन, ठीक है। तो पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होता है भाई, चार होता है, ठीक है। और पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, दो होता है, ये मेन बातें ध्यान रखने की है। और एक चीज़ और लिखनी है, दो एक इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है। दो आपका इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। दो जो है, टू जो है, वो आपका इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। दो सम अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। दो आपका जो है वो एक सम अभाज्य संख्या, ठीक है। सम मतलब इवन नंबर, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। दो आपका इवन भी है और प्राइम भी है, तो जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो बच्चे उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर यानी अभाज्य संख्या बोलते हैं। चार मैंने क्यों लिखा, चार के फैक्टर बनाओगे तो देखो क्या बनेंगे, चार के फैक्टर, चार एक पे भी डिवाइड होगा, दो पे भी डिवाइड होगा और चार पे भी। कितने फैक्टर हो गए इसके, तीन फैक्टर हो गए, ठीक है ना। ऐसे सिक्स की बात करूँ तो सिक्स के फैक्टर्स अगर मैं बनाऊँ तो कौन कौन से बनेंगे, वन पे भी जाएगा, टू पे भी जाएगा, थ्री पे भी जाएगा एंड सिक्स पे भी जाएगा। तो कितने फैक्टर्स हो गए इसके, चार फैक्टर हो गए। तो वो सभी नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स, और जिनके सिर्फ कितने फैक्टर हों, दो फैक्टर हों, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। थर्ड कैटेगरी आती है नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, थर्ड कैटेगरी अब आपकी आती है नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ठीक है भाई, जो ना ही भाज्य हो ना ही अभाज्य, इसमें केवल और केवल क्या आता है, वन, इकलौता नंबर है एक, ठीक है। क्यों एक आता है, क्योंकि एक का सिर्फ कितना ही फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर, इसका केवल और केवल एक ही फैक्टर है, वो कौन, ये खुद, ठीक है। इसीलिए ना तो ये प्राइम नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना ही कंपोजिट नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए एक को ना तो हम प्राइम नंबर में काउंट करते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर में, ठीक है। ध्यान रखेंगे प्राइम नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, दो से, और कंपोजिट नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, चार से। और जो आपका वन है वो नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि उसका केवल और केवल एक ही फैक्टर है, वो खुद, ठीक है ना। प्राइम होने के लिए उसको दो फैक्टर चाहिए और दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो क्या बनेगा, कंपोजिट, ठीक है। तो बच्चों ये थी आपकी जो नंबर सिस्टम थी उनकी सारी की सारी क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में, आप इसको अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है, हम
आपने आराम से बैठ के इसको सिर्फ एक बार गो थ्रू होना है, पढ़ना है। अगली क्लास में हम इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान देना भाई, ठीक है? आपको बुक से ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है? मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपके बहुत काम आएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ताकि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें सीखने को मिले, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है वो भी सारी अच्छी चीज़ें सीख सकें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको ना तो स्कूल लेवल पे सीखने को मिलेंगी, ठीक है, और ना ही अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, SSC, बैंकिंग, STAT, CTAT, तो आपको बुक्स में भी नंबर सिस्टम ऐसे नहीं मिलता, उसकी ऐसी क्लासिफिकेशन देखने को नहीं मिलती, ठीक है? तो आप इसके अपने हैंड रिटन अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई, ठीक है? वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी अगर आपने नोटिफिकेशन का बेल ऑन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आए आपको मालूम पड़ जाए, ठीक है? ओके, थैंक यू।